स्वागत है आपका सिंगर जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों माफी चाहता हूँ, कल मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि उससे पहले एक दिन पहले सैटरडे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक एनजीओ से जुड़ा हूँ, पुकार फाउंडेशन, तो पंजाब में रोपड़ एरिया में जो कुछ तीन गांव में ज़्यादा दिक्कत आई थी फ्लड की वजह से, हम दोबारा से हम वहां पर गए, अपना मेडिकल कैंप लगाया था। नॉर्थ इंडिया का जो सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है पीजीआई, उनके डॉक्टर्स हमारे साथ थे और जो भी मेडिसिन और जो भी पर्सनल हाइजीन और सफाई से रिलेटेड, घर की सफाई से रिलेटेड जो भी मटेरियल चाहिए था वो सब हमने कोशिश की, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो काफ़ी हम पूरा दिन उसमें निकल गए, इसलिए मैं वीडियो रेडी नहीं कर पाया। तो फिलहाल आज हम शुरू करते हैं दोबारा से। दोस्तों यहाँ जो आज पहले अपडेट की बात करें वो है हीरो इलेक्ट्रिक से। हीरो इलेक्ट्रिक भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल मेकर कंपनी है। इन्होंने अपने दो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, रीलॉन्च कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थे, उनको एक्सटेंडेड रेंज वर्जन इसको कहा जा सकता है। पहला मॉडल है ऑप्टिमा, दूसरा है NYS। अगर हम NYX की करें, कमर्शियल पर्पज के लिए ज्यादा इसको बनाया गया है और ऑप्टिमा नॉर्मल पर्सनल यूज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक्सटेंडेड रेंज मींस इसकी रेंज बढ़ाई गई है, स्पीड वही है जो पहले थी 40 किलोमीटर पर आवर, बट यहां पर रेंज अब 100 किलोमीटर की आपको सिंगल चार्ज मिलेगी। और इसका जो प्राइस है ऑप्टिमा ER का अब निकल कर आया है आफ्टर फेम सब्सिडी और जो 7% का GST कट है, उसके बाद उसका प्राइस है 68,721, यानी कि तकरीबन 69,000 हम कह सकते हैं इसको। NYX का प्राइस भी तकरीबन उतना ही है, 69,754। दोस्तों यहां थोड़े बात का हमको मुझे खुशी है कि इस जो इन्होंने थोड़ा सा रेंज को एक्सटेंड की है, इससे पहले जो मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि जो हीरो इलेक्ट्रिक है उसकी जो टॉप स्पीड और रेंज के कंपैरिजन काफ़ी कमेंट आते कि सर वो कम है, तो बिल्कुल इस अपग्रेड के साथ जो वो दिक्कत थी, जो वो शिकायत थी, वो भी दूर हो गई है। अगर मैं हीरो इलेक्ट्रिक की बात करूँ तो अब तक टोटल 3 लाख से ज़्यादा स्कूटर्स इलेक्ट्रिकल स्कूटर कंपनी सेल कर चुकी है। 325 शहरों में इनकी प्रेजेंस है, 660 इनकी अभी एट प्रेजेंट डीलर है, लेकिन इसको आने वाले 2 साल में 1000 डीलर नेटवर्क तक इसको एक्सपेंड करने की प्लानिंग है। एक नया प्लांट भी लगाया जा रहा है साउथ साइड, अभी इनका लुधियाना में है सेकंड प्लांट साउथ साइड कहीं, इसको प्लानिंग चल रही है, बहुत जल्द उस पर भी काम इनका शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हीरो इलेक्ट्रिक और नए अच्छे प्रोडक्ट लेकर आएगी मार्केट में। यह था आज का पहला अपडेट। यहाँ सेकंड अपडेट है टेस्ला से। टेस्ला के दो अपडेट है। पहला है कि जो इनका अपकमिंग जो मॉडल Y है नया, उसमें जो वायरिंग है, पहले उसकी जहाँ लेंथ 1.5 किलोमीटर थी टोटल, अगर वायरिंग की लेंथ की बात करूं, उसको रिड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर किया गया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि बिल्कुल अब कम वायरिंग होने की वजह से जितने भी चांसेस थे किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल फेलियर के, या जो भी फायर इंसिडेंट हुए हैं, या जो इनका अभी तक जो हम दिक्कत सुनते आ रहे हैं, तो उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि जितनी ज्यादा वायरिंग कम होगी उतनी ज्यादा शॉर्ट सर्किट कम होंगे, उतनी ज्यादा जो दिक्कत है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स वगैरह उन सब में इंप्रूवमेंट होगी। इसके अलावा कम वायरिंग होने की वजह से बहुत जल्दी जो प्रोसेस है गाड़ी को तैयार करने का, उसके जो ओवरऑल टाइम है उसमें भी कमी आएगी। सेकेंड है कि हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर टेस्ला ने मैक्सवेल टेक्नोलॉजी को अक्वायर किया था। इनके पास 2 अपनी अच्छी इनोवेशन है, फर्स्ट है ड्राई इलेक्ट्रोड बैटरीज और दूसरा है सुपर कैपेसिटर्स या अल्ट्रा कैपेसिटर्स। सबसे बड़ा बेनिफिट अगर हम बात करें ड्राई बैटरीज का, तो उसका यह है कि जो नेचर है वो नॉन फ्लेमेबल रहती है, मींस अगर हम लिथियम आयन, क्योंकि लिक्विड इलेक्ट्रोड रहता तो उसकी वजह से काफी चांसेस रहते हैं कि उसमें जो फायर इंसिडेंट अभी तक हुए हैं, लेकिन ड्राई में ऐसा चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। तो अभी तक जो हम इंसिडेंट सुनने को आ रहे हैं टेस्ला में फायर के, तो अगर ये ड्राई आने वाले समय में इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कम होंगे। इसके अलावा जो सुपर कैपेसिटर्स है उसका जो कि परफॉर्मेंस है और रेंज है टेस्ला कार्स की, उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगी। तो हो सकता है आगे चलकर दोनों को मिक्स कर भी इस्तेमाल किया जाए, इसके भी काफी ज्यादा चांसेस हैं। यहाँ तीसरा और लास्ट अपडेट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जिन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसमें टॉप उन स्टेट्स का जिक्र है जो कि रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स में काफी आगे हैं। यहां मैं टॉप 4 स्टेट्स की बात कर रहा हूं। नंबर 1 है कर्नाटका, नंबर 2 तेलंगाना स्टेट, नंबर 3 पर गुजरात है और नंबर 4 पर है आंध्र प्रदेश। और लिस्ट में सबसे नीचे है जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट है उसका सबसे नीचे नाम है। और ये जो इवैल्यूएशन की गई है ये बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिवनेस ऑफ सोलर रूफटॉप
डेवलपमेंट, मतलब इनकी पॉलिसीज कैसी है जिसकी वजह से लोग और ज्यादा लाइक सब्सिडी होगी या अदर्स नेट मीटरिंग हो गया और किस तरह की फैसिलिटी देते हैं, ये कितनी जल्दी ये सब प्रोसेस होता है, उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है लोगों में उसकी वजह से ये उस बेस पर ये लिस्ट बनाई गई है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 2022 तक 175 गीगावाट ऐड करना है थ्रू रिन्यूएबल सोर्स, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 गीगावाट सोलर पावर से अचीव करने की प्लानिंग है और इस 100 गीगावाट में से 40 गीगावाट को रूफटॉप सोलर, जो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स है उनसे पूरा करने की प्लानिंग है। अगर जहां ये चार स्टेट्स अच्छा कर रही है, अगर बाकी स्टेट्स भी इस चीज में अपना थोड़ा ध्यान दें, इस चीज को सीरियसली लें या सेंटर के साथ मिलकर और ज्यादा अपनी जो पॉलिसीज उनको अट्रैक्ट बनाए, तो हो सकता है कि जो ये 175 गीगावाट का टारगेट है इसको अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ओवरऑल सबका इसमें बेनिफिट ही है। अगर आप नेट मीटरिंग के थ्रू अपने घर पर 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का सेटअप लगवाते तो आपकी तकरीबन एसी को छोड़कर सभी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और इन केस अगर मान लीजिए आप कहीं घर से 3-4 दिन के लिए जा रहे हो, तो वहां तो आप जहां भी जा रहे हो वहां पर आपका खर्चा हो रहा है, लेकिन यहां पीछे से आपकी कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, आपके ग्रिड में जा रही है और वो आपकी एक तरह से इनकम का सोर्स भी बन जाता है। तो बिल्कुल फायदा ही फायदा है दोस्तों रूफटॉप सोलर का। अगर आप भी आपके पास अपनी छत है तो आप 2 या 3 किलोवाट का लगा सकते हो। 30% सब्सिडी तो सभी स्टेट्स तकरीबन ग्रिड कनेक्टेड जहां नेट मीटरिंग है उस पर सब्सिडी तो सभी स्टेट्स दे ही रही हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।